वाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आर्थिक मंदी के दौर में सब्जी आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश भर में सब्जियों के दाम आसमान छूते जा रहे हैं, जिस वजह से आम आदमी के घर की रसोई का बजट बिगड़ता जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं अंबाला की सब्जी मंडी में, जहाँ पर हम सब्जियों के बढ़ते दामों का जायजा लेंगे कि क्या कारण है सब्जियों के दाम बढ़ने का। और यहाँ पर कुछ लोग भी सब्जी खरीदने आए हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है सब्जियों के बढ़ते दामों को लेकर। कोरोना महामारी की वजह से लोगों की आर्थिक हालत पहले से ही खराब चल रही थी कि ऊपर से सब्जी के बढ़ते दामों ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। पूरे देश में सब्जियों के दाम आसमान छूते जा रहे हैं, जिस वजह से लोगों की रसोई का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। हमने अंबाला की सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने आए कुछ लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि सब्जियों के दाम दोगुने से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। पहले गोभी 15 से 20 रुपए किलो मिलती थी, आज उसकी कीमत 80 रुपए किलो हो गई है। और 15 से 20 रुपए किलो में बिकने वाला टमाटर अब 70 रुपए किलो में बिक रहा है। बाकी सब्जियां जैसे शिमला मिर्च, आलू, भिंडी, बैंगन, मटर, इन सारी सब्जियों के दाम भी आसमान छूते जा रहे हैं, जिसका असर हर वर्ग के लोगों पर पड़ रहा है। जो सब्जी पहले 300 रुपए की आती थी, आज मैंने लिए 800 रुपए लगे हैं उसी सब्जी के, डबल से भी ज़्यादा रेट हो गए हैं। गोभी बिक रही है 80 रुपए किलो, मटर बिक रही है 200 रुपए किलो। मतलब या तो ये मौसम करके इसका हाल है, या जो मौसम है ना पहाड़ के ऊपर बरसातें हो रही हैं, माल वहाँ से कम आ रहा है, इसलिए इसका रेट बढ़ रहा है। इस हाँ फर्क हुआ है ट्रांसपोर्ट पर, जो माल आता है जैसे एक नग के 20 रुपये लगते हैं, वहाँ उन्होंने 30-40 रुपये कर दिए, उससे फ़र्क पड़ता है। ये 100 नग आएगा तो 2000 का फ़र्क हो गया, वो 2000 लोगों के ऊपर ही पड़ेगा। जैसे आप आगे 3 सब्जी लेते थे, 4 सब्जी लेते थे 200 रुपये लग गया, अब वहीं 600-700 लग गया, ये फ़र्क है। मतलब सब्जियों के इस टाइम हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं जी। उधर तो सब्जी इतनी महंगी है कि गरीब आदमी रोटी नहीं खा सकता है, ना दुकानदार सब्जी बेच सका। 80-90 दे घट कोई सब्जी नहीं है जी। 70 रुपये किलो टमाटर, 200 रुपये किलो मटर, 80 रुपये किलो गोभी, 40 रुपये किलो मूली, 40 रुपये किलो घिया जी। क्या कोई करेगा, क्या कोई बेचेगा जी। इस टाइम हालात बहुत ही नाजुक हो गए सब्जी के। इस टाइम सब्जी या तो ये फसल कम है या गवर्नमेंट का कुछ इसके अंदर है, हम कुछ नहीं इसके अंदर कह सकते। जो माल मंडी में आवा बाद में बिक जा, पहला दुगने तिगने रेट हो गए सब्जी के। सिर्फ खरीदार ही नहीं, सब्जी बेचने वाले दुकानदार भी सब्जियों के बड़े दामों से परेशान हैं। वो किस तरह अपनी परेशानी बता रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। सब्जियों के दाम तो बढ़ने ही हैं जी, पीछे से तो माल आ नहीं रहा, कुछ बरसातों की वजह से कह लो, कोई लॉकडाउन की वजह से कह लो। जैसे ये कहते हैं जी हिमाचल बंद है, कुछ बंदे वहाँ हिमाचल के नहीं आने देते, पंजाब बंद है जी, हरियाणा बंद है जी, सारा काम तो सरकार ने खराब कर रखा है। अब मटर जो पहले बिकती थी 60-80 रुपये किलो, आज मंडी में 210 रुपये किलो है। ग्राहक कहता है 240 रुपये किलो दे रहे हो, और 210 रुपये किलो ले जाकर इंसान क्या रेट बेचेगा बताओ। अब गोभी है, गोभी 90 रुपये किलो है यहाँ पे, ग्राहक कहता है जी 100 रुपये किलो महंगी है। टमाटर यहाँ पे 60-70 रुपये किलो मंडी में दे रहे हैं, हम जाते के कहते हैं 80 रुपये किलो, ग्राहक कहता है महंगी है। बताओ आढ़तियों का माल तो बिक गया, अब हमारे जैसे दुकानदार कहाँ जाएंगे? अगर 10 रुपये किलो भी हमें ना बचा तो हम कहाँ जाएंगे? हमने भी तो घर चलाना है कि नहीं। अब इसमें तो सरासर सरकार की गलती है सारी, और किसकी है? सब्जियां सारी महंगी हैं जी। मटर 200 रुपये किलो है जी, गोभी 80 रुपये किलो है जी, बैंगन 30 रुपये किलो है जी, धनिया 200 रुपये किलो है जी। रेट सारे महंगे हो गए भाई जी, आसमान छू रहे सारे जी, दुगुना हो गए भाई जी। बहरहाल ऐसी खबरें हम आपको और भी दिखाते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें, और अपने फोन स्क्रीन पर डेली अपडेट्स पाने के लिए प्ले स्टोर से अंबाला ब्रेकिंग न्यूज के ऐप को भी जरूर डाउनलोड करें।